नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक समाचार से। डॉक्टर सुमेधा शर्मा के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी मांग जो है वो एक बार फिर से उठने लगी है। और प्रदर्शन कर रहे हैं ब्राह्मण सभा वाले पुरानी मंडी में। डॉक्टर सुमेधा शर्मा के बारे में हम आपको बताएं कि उनकी हत्या जो थी वो जानीपुर में की गई थी। जानीपुर के एक घर में डॉक्टर जोहर गनाई, जो उनके आशिक बताए जा रहे थे, उन्होंने उनकी हत्या की। और उसके बाद इसमें लव जिहाद का भी एंगल जो था वो सामने आ रहा था। लोगों ने आवाजें उठाई कि ये लव जिहाद का मामला है और कड़ी से कड़ी सजा जो है कातिल को मिलनी चाहिए, डॉक्टर जोहर गनाई को। डॉक्टर जोहर गनाई जो है उन्होंने स्वयं भी सुमेधा को की हत्या करने के बाद स्वयं भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। एक बार तो वहीं पर जहां पर डॉक्टर सुमेधा की हत्या की, उसके बाद अस्पताल में भी उन्होंने हत्या करने की कोशिश की है। सोसाइटी भी बाहर आना शुरू हो चुकी है, आज ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा की तरफ से प्रदर्शन है, क्या करेंगे? ये सिर्फ केवल ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा से नहीं प्रदर्शन, बल्कि जितने भी यहाँ पे बाजार के जितने भी प्रेजिडेंट हैं, प्राणी मंडी, राज तिलक रोड, सिटी चौक, सब प्रेसिडेंट इधर खड़े हुए हैं और सारे प्रदर्शन कर रहे हैं कि जम्मू में जो ये हालत हो रहे हैं, एक लड़की को बेरहमी से मारा गया और स्पेशल टारगेट, जैसे इसको टारगेटिंग के लिए कहना चाहेगा, क्योंकि इनको एक डॉक्टर था, डॉक्टर का काम है जीवन देना, जीवन लेना नहीं, छीनना नहीं। उसको 4 साल में उसने क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि एक लड़की को बेरहमी से मारना और इस तरह मारना और उसके बाद अपने आप को 2 छोटे कट लगा के, और इस हिसाब से उसने किया, क्योंकि उसको तो पूरा 100% श्योर होगा कि मैं कहां पे कट लगाऊंगा, मुझे 4 घंटे ब्लीडिंग होगी तो मैं ऐसे बच जाऊंगा। इस हम एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ एक ही मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम ये चाहते हैं कि जैसे यूपी सरकार में योगी जी जैसे किसी लड़की की हत्या होती है या कोई मर्डर करता है, उसके घर को बुलडोजर के साथ बिल्कुल गिराया जाता है, जो इसकी सपोर्ट करते हैं उन लोगों को भी हिरासत में लिया जाए और इनको सख्त से सख्त सजा नहीं बल्कि इनको फांसी दे देनी चाहिए, कि जो जम्मू कश्मीर में जो ये अब हरकतें शुरू हो गई हैं, ये टोटल एक ऐसी मिसाल बननी चाहिए, ऐसा सिस्टम, ऐसी मिसाल बननी चाहिए कि जम्मू में कोई भी एक लड़का ये हत्या किसी करने की सोचे, मानव हत्या करने की सोचे, तो 10 बार सोचे कि मैं ये मानव हत्या कैसे करूं और किस तरह करूं और किस प्रकार करूं। आपको क्या लग रहा है कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही है? जनाब, अगर पुलिस सही से काम, हम नहीं बोलेंगे पुलिस सही से काम नहीं कर रही, अगर पुलिस सही से काम कर रही होती, इस वक्त तक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी ढीली पड़ी हुई है। हमारा आपकी मीडियम के माध्यम से यही कहना है कि वो महीने से एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, उसको अंदर करिए, उसको अंदर करके उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाइए, 10 दिन के अंदर अंदर उसको फांसी दे देनी चाहिए, इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। जी, पहले ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती। अब बात करें कश्मीर में भी 30 साली युवती का किस तरह से उसके टुकड़े कर दिए गए, दिल्ली की बात करें, अब जम्मू में भी इस तरह की, जो डॉक्टर सुमेधा की बात करें, आखिर क्या कारण है कि इस तरह की घटनाएं अब जम्मू कश्मीर में भी? इसका कारण सिर्फ ये है कि इनको सिर्फ फंडिंग पीछे से होती है, इनको सिर्फ पैसा पीछे से मिलता है, उनको ये लगता है कि हम ये पैसा लेके हम जो लड़की हिंदू समाज की जो लड़की है, इनको कैसे हम बुला फुसला के इनको अपने अंदर लेके जाएं, फिर ये अगर नहीं मानती है तो इनका मर्डर कर देना है। कश्मीर में जो लड़की थी वो तो मुस्लिम समाज से थी, फिर तो ये देखा जाए कि बेटियां तो सबकी बराबर है ना, ये धर्मों से हटकर अगर हम आवाज उठाए ये नहीं अच्छा होगा क्या? मैडम, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, बेटी कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी एक जैसी हैं। मगर ये बात यह है कि ये जो इनको जो शेल्टर दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम सिर्फ मांग ये कर रहे हैं कि जो शेल्टर इन अपराधियों को दिया जा रहा है उनके घर तक खत्म कर देने चाहिए, कि उनको ये लगे कि जो उनके माँ बाप ने पीढ़ियों से कमाया हुआ है वो टोटल खत्म होगा और इनको एक ऐसी सजा दी जाए और मौत देनी चाहिए। आपको लग रहा है कि लव जिहाद का एंगल है? बिल्कुल, ये लव जिहाद का एंगल है, क्योंकि एक डॉक्टर जो है, ये जो डॉक्टर जो मारी गई है, या पहले आपने दिल्ली का नाम लिया, उसको भी सेम कंडीशन से किया गया, और ये जो अब ये काम कर रहे हैं, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इतना अपना काम नहीं कर रही, क्यों नहीं पकड़ रही उस बंदे, उसको पकड़ा हुआ है, उसकी फैमिली को क्यों नहीं पकड़ रही? एक बार फिर उसने अस्पताल में भी दोबारा से आत्महत्या करने की। सर, एक छोटी सी बात है, एक ड्राइवर अगर गाड़ी चलाता है उसको पता होता है कब गाड़ी गिरने वाली है कब नहीं गिरने वाली, ड्राइवर तो बच जाता है, सवारी मर जाती है। वही ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर 4 साल से इसने पूरा अपने तरीके को, उसको पूरा पता है कहां पे कौन सा कट लगाया जाए जहां पे मुझे इतनी देर ब्लीडिंग चलेगी और मैं बच जाऊंगा।
इसने प्री प्लान मर्डर बोला जाता है इसको, इसको ये नहीं बोला जाएगा कि उसने आत्महत्या, आत्महत्या अगर करनी ही है तो हमें दीजिए, हमें गवर्नमेंट बोलिए कि अगर उसने मरना ही है ना तो गवर्नमेंट हमें बोलेगी कि हम मारेंगे उसको, और हम ये मैं बीड़ा मैं उठाता हूँ, मैं बोलूंगा कि मैं मारने के लिए रेडी हूँ उसको, गवर्नमेंट मुझे दे, और उसने मरना ही है। अगर उसको लग रहा है कि मैंने सुसाइड करना है, तो अगर सुसाइड ही करना है तो तूने सुसाइड क्यों करना है, हम मारते हैं तेरे को, हम मारने के लिए तैयार हैं। सरकार को बोलिए कि अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा तो हम लोगों को बोलिए हम तैयार हैं मारने के लिए उसको। आप चाहते हैं कि जैसे योगी सरकार यूपी में कार्रवाई कर रही है इसी तरह यहाँ भी करे? हम यही चाहते हैं कि जो यूपी सरकार में योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं वही हमारे मनोहर सिन्हा भी यूपी के ही हैं, एलजी हैं, उनका भी यही काम होना चाहिए। हम ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सिर्फ उसके घर, जो श्रीनगर में कांड हुआ है उसके घर को भी ऐसे ही मिटाया जाए तभी डर पनपेगा, नहीं तो हम खुली आजादी देंगे इन लोगों को। अंकल जी हम आपकी तरफ आते हैं, आप बड़ी बेबाकी से बोलते हैं जम्मू कश्मीर बड़ी खूबसूरत रियासत है, अगर जम्मू की बात करें मंदिरों का शहर कहा जाता है, पर आए दिन इस तरह के क्राइम, चोरियों की वारदात पीक पर है, मर्डर केसेस, रेप केसेस, आखिर किसकी नजर लगी जम्मू कश्मीर? मैं आपके मीडिया माँ से बात करना चाहता हूँ। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कौन सी बेटी पढ़ाओ भाई? जो मेरी बहन, जो मेरी बहन जिसका कत्ल किया गया बेरहमी से, ये नई परंपरा चली पड़ी, नई परंपरा टोटे चल रहे, टोटे जैसे बकरों के टोटे कहते हैं, मुर्गे के टोटे, वो यार हमको शर्म नहीं आती। वो मेरी बहन होगी या मेरी बेटी जैसी होगी कुछ, और जिसने मारा तेरी बहन भी होगी भाई, तेरी बहन भी होगी या तेरी माँ जैसी होगी। डॉक्टर का क्या फर्ज होता है हमारे हिंदू समाज में? क्या हिंदू समाज में सारे समाजों में भगवान के दूसरे नंबर पर डॉक्टर को माना जाता है, और डॉक्टर लोग ही ऐसी बातें करने लगे तो फिर काम खराब है। चलिए ना हॉस्पिटल, किसी डॉक्टर के पास से वो बच्चे की तो हो जाए ना, गलती टीका लग जाए ना बच्चा, हम तो डॉक्टर को घेर लेते हैं, तो डॉक्टर आपके पास बैठे हुए भाई इसको क्यों नहीं घेरते आप? मैं कहता हूँ फास्ट ट्रैक चलना चाहिए, दो पेशियों में फैसला। जैसे मेरी उस बहन का कत्ल किया गया, टोटे किए गए, इसके दो टांगे दो बाजू कार का छोड़ देना चाहिए, तब वो सांस ले, उसको इब्रत हो कि मैंने ये गुनाह किया, मुझे इस सजा मिली। मुझे समझ नहीं आती है एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारा लोगों का जीना, वो तो चले जाओ अपना यूपी में लड़कियों का इंटरव्यू लेते हैं, हम रात को 12 बजे निकलते हैं, हमें कोई परवाह नहीं, हम 1 बजे निकले हमें कोई परवाह नहीं, वो जो सारा नहीं ना हमारे जम्मू पे आ गए भाई। तो क्या लगता है योगी बाबा जैसा यहाँ पर भी होना चाहिए? होना चाहिए, दिन दयाल किसीता लेता चाहिए, पब्लिक के साथ चलेगी। जो तो जीना राम हो गया, कौन बनाएगा अपनी बेटी को, कौन बनाएगा डॉक्टर? पुलिस ढीली कार्रवाई की वजह से एक बार फिर से हम ये कहेंगे कि वापिस से आवाजें उठने लगी हैं, और ये कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए डॉक्टर सुमेधा शर्मा को, उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह की कार्रवाई योगी जी जो है अपने राज्य में कर रहे हैं। जो लोग बेटियों की हत्या करते हैं, कत्ल करते हैं, उनके साथ उनके घर भी तोड़ दिए जाते हैं, बुलडोजर चलाया जाता है, इसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर भी होनी चाहिए। चौंकाने वाला मामला था, और ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस ढीली पड़ गई है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक चढ़ समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत, नमस्कार।